इंडियन रुपी के डेप्रिशिएट होने से इंडियन करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई और अब इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी डेप्रिशिएशन और इसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगे वो भी हमने पढ़ लिया है। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक। वंस अगेन यू आर वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल चैंटिंग चाणक्य। और काफ़ी लंबे टाइम से हम लोगों ने अपने वीडियो पोस्टिंग को रोक रखा था, आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज फॉरन एक्सचेंज रेट। फॉरन एक्सचेंज रेट को पढ़ने से पहले हम समझते हैं क्या फॉरन एक्सचेंज क्या होता है, आइए समझते हैं। डेफिनेशन पे देखते हैं हम लोग। ऑल द करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ कंट्री आर कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसीज हैं दुनिया की वो सारी की सारी क्या होगी, फॉरेन एक्सचेंज के अंतर्गत काउंट की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी क्या है, रुपीज है। तो रुपीज के अलावा जितनी भी करेंसीज हैं हमारे लिए, बी एट डॉलर, बी एट यूरो, बी एट पौंड, बी एट दिनार और बी एट स्विस डॉलर, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज का एग्जांपल है। ये क्लियर हो गया होगा। नाउ वी कम टू द फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट? रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज विद दैट ऑफ अदर करेंसी। एक कंट्री की करेंसी जिस रेट पर फॉरेन एक्सचेंज कर फॉरेन करेंसीज के साथ एक्सचेंज की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज़। $1 इक्वल टू 82 रुपीज़, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट कि अगर आप $1 दे रहे हो तो बदले में आपको कितने रुपए मिलेंगे, 82 रुपीज़ मिलेंगे। एवरी टाइम यू हैव टू गेट $1 यू विल हैव टू मैनेज और यू हैव टू गिव 82 रुपीज़। ये एग्जाम्पल था हमारा इसका फॉरेन एक्सचेंज रेट का। आगे देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इट मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी रिक्वायर्ड टू गेट वन यूनिट ऑफ अदर करेंसी, कि किसी दूसरी करेंसी की एक यूनिट अचीव करने के लिए, ऑप्टेन करने के लिए आपको एक करेंसी की कितनी यूनिट्स देनी पड़ रही हैं, 82 यूनिट्स। और एक कौन सी करेंसी है, $1 चाहिए हमको, तो बदले में रुपी की कितनी यूनिट दी हमने, 82 यूनिट्स दी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट हो जाएगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज करेंसी डेप्रिशिएशन एंड करेंसी एप्रिशिएशन। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ा होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया। क्या होता है ये फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसके गिरने से बढ़ने से क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। ये चीज़ें हमें तब क्लियर होंगी जब हम समझेंगे कि करेंसी डेप्रिशिएशन क्या होता है और करेंसी एप्रिशिएशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि करेंसी डेप्रिशिएशन। अकाउंटेंसी में आपने डेप्रिशिएशन पढ़ा होगा। डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ समथिंग, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। किसी भी चीज में कमी होना, गिरावट आना, वो क्या कहलाता है, डेप्रिशिएशन कहलाता है। करेंसी डेप्रिशिएशन क्या कहलाएगा, इट रिफर्स टू फॉल और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू द वैल्यू ऑफ अदर करेंसी। हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के टर्म्स में अगर गिर जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, करेंसी डेप्रिशिएशन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल देते हैं हम लोग। $1 इक्वल टू 82 रुपीज फॉर एग्जांपल। अभी करंट रेट है हमारा $1 इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 82 रुपीज। अब क्या हुआ, ड्यू टू द मार्केट सिचुएशंस $1 इक्वल टू 84 रुपीज हो गया। यहां पे क्या हुआ, करेंसी डेप्रिशिएशन हुआ है। आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ कि सर यहाँ पे तो 82 रुपीज थे, यहाँ पे 84 रुपीज थे, तो डेप्रिशिएशन कैसे हुआ है। तो आइए हम इस कंफ्यूजन को आपको दूर करते हैं। देखो भाई, पहले अगर आपको $1 लेना था तो आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, 82 रुपीज में आपका काम हो जा रहा था। अब सेम $1 खरीदने के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, 84 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं। मतलब मनी का या रुपीज का जो पावर था वो क्या हो गया है, कम हो गया है। पहले मान के चलो आपको एक क्लास लेने के लिए 500 रुपीज खर्च करने पड़ रहे थे, अब उसी क्लास को लेने के लिए आपको 800 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पैसा था उसकी कीमत क्या हो गई, कम हो गई है, परचेजिंग पावर कम हो गई है, और उस क्लास की कीमत क्या हो गई है, बढ़ गई, उस लेक्चर की कीमत बढ़ गई है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा जो रुपी था वो क्या हुआ, डेप्रिशिएट हुआ है, और डॉलर क्या हुआ है, एप्रिशिएट हुआ है। इसका असर क्या पड़ेगा इकोनॉमी के अंदर, इसका असर ये पड़ेगा
कि इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ आर कंट्री, हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे भाई? देखो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी करेंसी की, हमारे गुड्स की जो कीमत थी वो क्या हो गई, नीचे हो गई है। और जब किसी भी चीज़ की प्राइसेस डाउन होते हैं तो उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है कम होती है? यू नो इट वेरी वेल कि डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो सिमिलरली क्या हुआ, इंडियन रुपी के डेप्रिशिएट होने से इंडियन करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई और अब इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी डेप्रिशिएशन और इसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगे वो भी हमने पढ़ लिया है। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज करेंसी एप्रिशिएशन। इसका जस्ट अपोजिट है, इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के टर्म्स में और उसके रिलेशन में क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है ना। हमारा रुपया क्या हो गया है, स्ट्रांग हो गया है, इसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई है, बढ़ गई है। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, $1 इज इक्वल टू पहले था 82 रुपीज, अगर आप $1 देते हो तो आपको 82 रुपीज मिल जाते थे, लेकिन अब उसी $1 में 80 रुपीज ही आ पा रहे हैं। मतलब हमारा रुपया क्या हो गया है, महंगा हो गया है, हमारा रुपया महंगा हो गया है। तभी तो पहले 82 मिल जाते थे, अब कितने मिल रहे हैं, 80 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी इंडियन करेंसी क्या हुई है, एप्रिशिएट हुई है, और डॉलर क्या हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा, इट रिजल्ट इन इंक्रीज्ड इम्पोर्ट्स। भाई देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, अमेरिकन डॉलर्स की। अमेरिकन डॉलर क्या हुआ, सस्ता हो गया, तो अमेरिकन गुड्स जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। जब अमेरिकन गुड्स सस्ते होंगे तो हमारे यहाँ पे जो बीआईपी लोग बैठे हुए जो अमेरिकन गुड्स का यूज करते हैं वो क्या करेंगे, धड़ल्ले से इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अरे चलो सस्ता हो गया अमेरिकन सामान, लेट्स हैव मोर ऑफ देम, ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएंगे, हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे, जो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इसके और आगे जाके क्या इम्पैक्ट होंगे, गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कैसे डील करती है, वी विल बी कवरिंग इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।